हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने काचीगुड़ा और आदि बाटला पुलिस के साथ मिलकर एक बैंड रियासती गैंग के 9 अफराद को हिरासत में ले लिया, जो मोबाइल फोन टावर के आलात, खासकर रिमोट रेडियो यूनिट्स, रेडियो रिमोट हेड्स, बेस बैंड यूनिट्स और दीगर वायर्स की चोरी में मुलविस बताए गए। इस सिलसिले में जब्त की गई जुमला अशिया की कीमत 60 लाख रुपये बताई गई। डीसीपी टास्क फोर्स रश्मि पैरवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात भी बताई और बताया कि मुलजिमा जो कि आसान तरीके से पैसा कमाने और शहाना ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्होंने RRUS की चोरी करने का मंसूबा बनाया और एयरटेल नेटवर्क्स के सेलफोन टावर्स के बेस बैंड्स और एयरटेल वर्क्स केबल तारे भी इनके स्टेंट्स के साथ एयरटेल नेटवर्क्स के इंजीनियर अशोक अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ जगहों से RRUS रेडियो यूनिट्स, रिमोट बेस बैंड यूनिट्स और सेलफोन टावर केबल तारों की चोरी की। मुलजिमान की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई। बनावत नागाराजू, मालूत नागेश, चकुल शिवाल, दिलशाद मलिक, चांद मलिक, शहरियान मलिक, सोहेल मलिक की हैसियत से इनकी शिनाख्त की गई, जबकि इस केस में मुलविस 2 मुलजिमान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताए गए। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से एयरटेल 4G RRUS के 13, एयरटेल 5G RR1, जियो 4G RRH8 केबल की तारे 600 मीटर, 10 सेलफोन्स को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियती रकम 60 लाख रुपए बताई गई। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर जाफर की यह खसूसी रिपोर्ट। तो आज हमारा साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने ये 9 अक्यूज को पकड़ा है। टोटल 12 केस है ये मोबाइल टावर, जो सेलफोन टावर होता है एयरटेल जियो, इन दो कंपनीज के रिगार्डिंग हमने पकड़ा है। सो ये मोबाइल टावर, इस टाइप का मोबाइल टावर के जो इक्विपमेंट है, ये जो आप देख सकते हैं इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट को यूज़ होता है जो हमारे फोन्स में जो सिग्नल आता है, एसेंशियल इक्विपमेंट जो कहते हैं, जिसके लिए वो मोबाइल टावर बनाते हैं, वो इक्विपमेंट को ये लोग उसके अंदर स्पेसिफिकली देखें तो RRUS रिमोट रेडियो यूनिट, RRH रिमोट रेडियो हेड, BBU बेस बैंड यूनिट्स और सारे केबल वायर्स। सो इस टाइप का थेफ्ट का एक रैकेट चल रहा है बहुत दिनों से। बेसिकली इसका एमओ क्या है कि इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल जो करते हैं, टावर रिगर्स कहते हैं हमको, सो स्पेसिफिक लोग ही कर सकते हैं, ये नॉर्मल वर्कर से नहीं होता है। कुछ स्पेशल टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए उस टावर पे चढ़ना, फिर उसको लगाना। सो स्पेशल टावर ट्रिगर्स जो है मेनली 2 इस केस में जो हमने पकड़ा है, एयरटेल वाले केसेस में, बानवत नागर राजू और मलोत नागेश, ये 2 लोग पहले कंपनी इनको हायर करती है फॉर इंस्टॉलिंग ये सारा इक्विपमेंट। ये लोग जब इंस्टॉल कर देते हैं, उसके कुछ दिन बाद जाके यही लोग फिर से टावर चढ़ के उस इक्विपमेंट को अनइंस्टॉल करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। और फिर मार्केट में रिसीवर्स हमने 5 चुकुलू शिवा, दिलशाद मलिक, चांद मलिक, शहरयान मलिक, सोहेल मलिक, इन 5 लोगों को अभी जो हमने इस पर्टिकुलर इस केस में पकड़ा है, ऐसे रिसीवर्स को दे देते हैं। रिसीवर्स इसको फिर आगे जो हमें पता चला है दिल्ली में बेच देते हैं, 1.5 से 3 लाख तक वैल्यू में मार्केट में बेच देते हैं, और फिर वो लोग उसको बाहर, देश के बाहर भेज देते हैं। ये सेम इक्विपमेंट जहाँ जहाँ एयरटेल का टावर लगता है, ये वहाँ यूज़ हो सकता है। देश में अगर लगाएंगे तो डिटेक्ट होने का पॉसिबिलिटी हाई है, देश के बाहर भेज देंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए लोग उनको ये सारा इक्विपमेंट देश के बाहर भेज देते हैं। टोटल हमने इसमें 10 केस एयरटेल के किए हैं, काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन, खैरताबाद, SR नगर, मधुरा नगर, मीरपेट, वनस्थलीपुरम, नागोल, हयात नगर, बालानगर और शमशाबाद, इन 10 पुलिस स्टेशन में FIRs हुए हैं ये सेम इक्विपमेंट के, एयरटेल के। और जियो कंपनी के जो है वो 2 हैं, आदि पाटला में और संगारेड्डी भानुर में हुए हैं। सो भानुर वाले ये जियो नेटवर्क वाले केस में अक्यूज वीरू चैतन्य और रवि नायक, ये दोनों भी टावर रिगर्स हैं जो जियो कंपनी ने पहले हायर किए थे, वो ऊपर लगाने के बाद फिर कुछ दिन बाद उन्होंने ये सिमिलर एमओ से इसको लिया है। सो टोटल इसका इक्विपमेंट वैल्यू अलॉन्ग विद कॉपर वायर सब मिला के 70 लाख के ऊपर। थैंक यू। ये सीज किए हैं, ये बेसिकली स्टेरॉइड मेडिसिन है जो अब्यूज़ कर रहे हैं आजकल जिम में जो बॉडी बिल्डर्स या जो बहुत शॉर्ट टाइम में मसल ग्रोथ कराना चाहते हैं, उसमें एड करता है करके जिम ट्रेनर्स या जिम ओनर्स अपने कस्टमर्स को ये इसको देखे कि ये यूज़ करेंगे तो आपका जल्दी डेवलप हो जाएगा बॉडी जो वो बनाना चाहते हैं,
तो उसको ये देके उनको सप्लाई कर रहे हैं। मार्केट में इसका वैल्यू 350 या 500 रुपए तक आता है, ये वो फिर ज़्यादा रेट पे 1500-2000 रुपए तक के रेट में उनको बेच के, बेसिकली रेट से ज़्यादा उनका हेल्थ का इश्यू है। अगर ये मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर एडवाइस के या बिना किसी एक्चुअल हेल्थ कंडीशन के यूज़ हो, तो उस पर्सन को जो यूज़ कर रहा है उसको फ्यूचर में हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर या स्ट्रोक्स ऐसे होने के पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द साइड इफेक्ट है इस मेडिसिन को यूज़ करने का विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। सो ये हमें पर्टिकुलरली इस केस में पल्स फिटनेस करके जिम का नाम है आसिफ नगर में, और इसको अक्यूज्ड नितेश सिंह, सईद जाफर अली एंड राहुल सिंह। नितेश सिंह जिम ओनर है पल्स फिटनेस सेंटर के, और सईद जाफर अली और राहुल सिंह वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट और जिम ट्रेनर का काम कर रहे हैं। सो वहाँ पे कस्टमर्स को ये लोग ये अमाउंट ये ड्रग दे रहे हैं यूज़ करने के लिए। इसको ये मुंबई से प्रोक्योर कर रहे हैं कोरियर के थ्रू, सप्लायर उनका वहाँ है, और इसको यूज़ करके कस्टमर्स को झांसा दे रहे हैं कि इसको यूज़ करने से उनका फिटनेस अच्छा रहेगा, जबकि एक्चुअली उल्टा है, इसको यूज़ करने से उनको फ्यूचर में हेल्थ इश्यू आएगा। सो हमारा अपील है पब्लिक से भी और बाकी जिम से भी, अगर इस टाइप की चीज़ें वो कर रहे हैं वहाँ, तो उनको अभी रोक देना चाहिए, और जो पब्लिक है अगर वो यूज़ कर रही है तो उनको भी रोक देना चाहिए। फिटनेस का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज़ टू बी टाइम बाउंड वो है। सो टाइम बाउंड एक्सरसाइज करेंगे, टाइम बाउंड फिटनेस पे ध्यान देंगे तभी हो सकता है। अगर शॉर्ट टाइम में इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करके फिटनेस की तरफ जाएंगे तो फ्यूचर में उनकी हेल्थ इश्यूज़ जैसे कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक और ये सब होने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने हमारे एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास की सुपरविजन में दे हैव रेडेड एंड सीज दिस। ये हम अभी डीसीए को हैंड ओवर कर रहे हैं ड्रग्स एंड कंट्रोल को फॉर फर्दर।